मेरे वालिद साहब PWD में थे, तो रिटायर्ड हो गए तकरीबन 1988 में। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसी लाइन को अख्तियार करूँ। इतने टाइम पीरियड से 2 साल का पीरियड होता है या 3 साल का पीरियड होता है, बड़े प्रोजेक्ट में 2 साल या 3 साल रखते हैं। तो उस 3 साल के अरसे में कोई भी ठेकेदार अपना काम मुकम्मल करके महकमे को हवाला करता है, ये उसके लिए बड़ा चैलेंज है। अभी भी जितने कॉन्ट्रेक्टर है वो मेरे ख्याल में पूरे के पूरे जो है वो KCBL से जुड़े हुए हैं, और KCBL उनको लोन भी देता है, बैंक गारंटीज भी देती है। तो इसीलिए KCBL का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि इसमें ख़ास कर गिलगित बल्तिस्तान का जो तरक्की है उसमें भी KCBL का बड़ा हाथ है। ये शहीद सैफुर्रहमान हॉस्पिटल है, ये 2018 में हमने इसका काम शुरू किया था। ये सिटी हॉस्पिटल वाले इधर मेरे ख्याल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हमने अपने टाइम पे 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल किया है इसको। मैं 1990 से कॉन्ट्रेक्टर हूँ, और इधर गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैंने लिए, और उसमें कोऑपरेटिव बैंक आया, बाद में फिर कराकुरम बैंक हुआ। तो खुसूसन शेरजान मीर साहब जो हमारे मुहसिन भी हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया, और कोई भी प्रोजेक्ट का हमने लिया उसमें शेरजान मीर साहब ने और कराकुरम बैंक ने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि पूरी कॉन्ट्रेक्टर बरादरी के साथ उन्होंने अच्छा ताउन किया है। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें हमारे जो ठेकेदार बरादरी हैं वो माली मामलात में फंसते हैं, तो जाके फिर कराकुरम बैंक ही उनकी सपोर्ट करता है, उनकी मदद करता है। 2001 में मैंने ये प्लाजे वाली ज़मीन ख़रीदी थी, तो उसमें मेरे पास पैसे कम थे, तो कराकुरम बैंक ने मेरी बड़ी हेल्प की और इस ज़मीन लेने में काफ़ी मेरी मदद की, और आज इस ज़मीन पे मैंने ये प्लाजा खड़ा किया है। बंदा मेहनत करे तो अल्लाह ताला भी साथ देता है, मेहनत न करे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और जो नए ठेकेदार आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ईमानदारी और जज्बे के साथ काम करें और बरादरी का नाम भी रोशन करें।